अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी के अंदर, पॉइंट नंबर वन, जब आप लिक्विड को क्या करते हो, गर्म करते हो, तो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है तो उससे क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन वीक हो जाती हैं, जिससे कि विस्कोसिटी कम हो जाती है. तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस, पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट, ये करना नहीं है, सिर्फ बताने के लिए बताया गया है कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है किसी भी टेम्परेचर टी पे, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी है. तो ये सब कॉन्स्टेंट्स है इसमें. ये ईटा का मतलब उसकी विस्कोसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे और ये टी डिग्री सेल्सियस पे. एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर डिनोमिनेटर इंक्रीजेस, ईटा डिक्रीजेस. ये नेक्स्ट रूल है इसका. अब मैंने क्या सिखाया कि किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है. गैसेज में उल्टा है. गैसेज में याद रखना जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है. टेम्परेचर जैसी गैस का बढ़ता है, ईटा उल्टा बढ़ता है, तो विस्कस, वो ज्यादा विस्कस गैस हो जाती है, ठीक ठीक गैस हो जाती है. तो उल्टा है, लिक्विड्स में कम हो जाती है, गैस में बढ़ जाती है. इसकी वेरिएशन याद रखनी है. प्रेशर में वाटर को छोड़ के विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर. प्रेशर बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ती है, और वाटर के केस में विस्कोसिटी डिक्रीज होती है. उल्टा, वाटर एक्सेप्शन है. क्यों, क्या हमने नई मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री नहीं खोलनी इसकी? तो बस ये एक स्टेटमेंट है, इसको याद रखना है आपने कि प्रेशर से वैसे लिक्विड्स की विस्कोसिटी बढ़ती है, पानी की कम होती है, और गैसेस में विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कोई फर्क पड़ता ही नहीं. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है, राइट.